नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट मोड की एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश के फर्स्ट टी20 हाईलाइट मुकाबले के बारे में, जहाँ दोस्तों सारे फैंस यही सोच रहे होंगे कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को क्या हो गया, क्योंकि बांग्लादेश ने उससे पहले वाले वनडे फॉर्मेट में न्यूजीलैंड को मात दी थी और अब टी20 में भी उन्हें पीट दिया। तो वहीं नजमुल हुसैन सांतो की कप्तानी वाली बांग्लादेश टीम ने बुधवार को खेले गए सीरीज के पहले टी20 मैच में न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हरा दिया है। और नेफियर में बांग्लादेश को जीत मिली, तो न्यूजीलैंड की सरजमी पर बांग्लादेश ने पहली बार कोई टी20 मैच जीता है। अब दोस्तों ओपनर लिटन दास की नाबाद 42 रन की धैर्यपूर्ण पारी की मदद से बांग्लादेश ने पहले टी20 मैच में बुधवार को न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हरा दिया है। और बांग्लादेश ने शनिवार को तीसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड को 98 रनों पर आउट कर दिया और इस देश में उम्मीद ओवरों की क्रिकेट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और उससे 4 दिन बाद ही बांग्लादेश टीम ने टी20 में भी जीत दर्ज कर दी और लिटन दास ने 36 गेंदों पर अपनी पारी में 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया है। जहाँ दोस्तों बांग्लादेश ने नेफियर के मैकलन पार्क में खेले गए इस मैच में शुरुआती 9 गेंदों के अंदर 3 विकेट हासिल किए और न्यूजीलैंड को 9 विकेट पर 134 रन पर ही रोक दिया, जिसके बाद न्यूजीलैंड की तरफ से जिमी निशाम ने सर्वाधिक 48 रन का योगदान दिया, जबकि कप्तान मिचेल सैंडलर ने 23 रन ही बना पाए। इसके बाद दोस्तों बांग्लादेश की तरफ से शरफुल इस्लाम ने 3, जबकि मुस्तफिजुर रहमान और मेहदी हसन ने 2-2 विकेट लिया। और इसके जवाब में बांग्लादेश ने 18.4 ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बनाकर जीत दर्ज की और 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाई। तो दोस्तों ये रही क्रिकेट मूड की तरफ से न्यूजीलैंड वर्सेज साउथ अफ्रीका के फर्स्ट टी20 मैच की हाईलाइट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो क्रिकेट मूड के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।